मूव ऑन हो रही है मैन। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गुलमर्ग में खूब मस्ती करने के बाद अब बारी थी पहलगाम की। पहलगाम का लैंडस्केप कुछ इस तरह से दिखता है, चारों तरफ पहाड़ और बीच में बहती लिडर नदी और बेहद खूबसूरत पहलगाम वैली। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसको तय करने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, जिसमें ऑलमोस्ट हाफ वे तो आपका हाईवे ही कवर कर देगा। अभी हम गंतालीपोरा नाम की जगह से गुजर रहे हैं और एक बार फिर से झेलम रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। ये दरगाह है जहाँ पे वो शूटिंग हुई थी बजरंगी भाईजान की, जब तक है जान ये जो हुआ था, ये ऊपर दरगाह है। अब ये पहलगाम सिटी की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर सी जगह है कश्मीर में। ये देखिए ये गर्म घर गर्म करने का तरीका। टेम्परेचर लगभग 0 से 2 डिग्री था और बाहर ठंड की वजह से कम ही लोग दिख रहे थे। Oh, look at the view, man! Look at this view! This one! You can see this. हमारे अलावा मुझे इधर बाइक से शायद ही कोई जाता हुआ दिखा। इन व्यूज को देखिए, कुदरत की बनाई इतनी शानदार पेंटिंग, सामने दिख रहे बर्फ से ढके पहाड़ों को मिस नहीं करना। कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, वहां खुद से होना, वहां की ठंड को फील करते हुए व्यूज को एंजॉय करना। अब जैसे जैसे पहलगाम करीब आ रहा था, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ बिखरी हुई दिखाई पड़ रही थी। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स अब हमारा वेट ही कर रहे थे। तो फाइनली हम लोगों को स्नोफॉल यहाँ पे मिल चुका है। क्या कुछ देना है क्या? हाँ जी, थैंक यू। स्नोफॉल हो रही है देख लो भैया, स्नोफॉल, कोई पेड़ वेड़ से नहीं आ रही है, स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। ये स्नोफॉल हो रही है भाई, रुको यार आगे रुकते हैं। स्नोफॉल देखते ही दिल इतना खुश हो गया कि हमने वहीं रुक के ये किया। और कैमरा के सामने रेयरली आने वाले राहुल का यहाँ ये हाल था। वेरी गुड, अंदर ही मोड़ दूंगा। ओहो हो, होटल होटल पे डिसाइड कर रखा है कौन सा लेना है। कुछ नहीं है, अभी चलते हैं वहां पे। तभी तो कह रहे हैं चल पहले कहां, चल निकाल जल्दी करना। क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ बोल तो नहीं रहा हुआ? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, ठीक है? नहीं आवाज़ आ रही है। नहीं अब आ रही है।
पहलगाम से अब हम लगभग 5 किलोमीटर ही दूर रह गए थे और ठंड बहुत जबरदस्त लग रही थी। भैया आपको नहीं, बैग थोड़ा पीछे पकड़ के बैठना पड़ेगा। आप दिक्कत हो रही है गर्दन। लेकिन आसमान से गिरते ये बर्फ के रुए, अब आगे स्नोफॉल इतनी तेज हो गई कि हर 10 सेकंड में कैमरा बर्फ से ढक जाता था। अभी आप जितना कैमरा के थ्रू देख पा रहे हैं, हम भी लाइव वहां हेलमेट के शीशे के थ्रू उसी तरह से देख पा रहे थे। और ठंड इतनी थी कि वाइजर ऊपर कर ही नहीं सकते थे। देखने में सब कुछ जितना सुंदर और सुहाना लग रहा था, असल में कंडीशंस बहुत टफ थी वहां, स्पेशली जब आप बाइक से हो। अरे दिखना बंद हो जाता है। स्नोफॉल हो रही है मैन, मैं नहीं बताया फोटो में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट यहाँ तो बहुत जबरदस्त वाली स्नोफॉल हो रही है। गुरुद्वारा है, रुक लेंगे। पहलगाम में लगभग सारी दुकानें बंद थी और हम होटल की तलाश में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे थे। और वैली में मिल गया होटल। यार आप लोगों में से कई लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। नया चैनल शुरू किया है, प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। क्या यार, ये महंगा होटल होगा। ओए होटल है पहलगाम होटल, एक वो रहा होटल जैसे लग रहे अंदर, एक वो होटल है, चलो वो लेके चल रहे जल्दी। अरे वाह, शाम अभी हुई ही थी लेकिन ऐसी शाम शायद ही लाइफ में पहले कभी हम में से किसी ने विटनेस की थी। पहलगाम में हमारी मस्ती और वहां से लौटने की कहानी, जो कि रियल मायनों में एडवेंचरस थी, ये आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बाइक खींचना, बाइक खींचो, पीछे पीछे खींचो बाइक। पता है क्या, बाइक जो है ना अगर स्किप हुई ना सीधे नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, रुकेगी नहीं। भाई मेरे भाई, तो मैं इधर कहीं जगह दिख रही है तेरे को चलाने की।